हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेनोकल 5G कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, जानेंगे उसके डोज, साइड इफेक्ट और सीखेंगे कि 5G कैप्सूल जो है वो क्यों खाते हैं और दिन में कितने बार ये कैप्सूल जो है वो खानी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि 5G का मतलब क्या होता है, कि ये जो 5G कैप्सूल्स आते हैं यहाँ पर लिखा है कि 5G, तो 5G का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिटेल की, वो है बेनोकल 5G कैप्सूल्स की। तो सीखते हैं डिटेल में आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मरोक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर डायरेक्टली फार्मरोक्स ऐप डाउनलोड करके भी मेडिसिन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, कि जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। तो अब समझिए बेनोकल 5G कैप्सूल्स के बारे में। तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब कि ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के जो आपको जरूरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कि समझो कि आपके डाइट के अंदर प्रॉपर सभी न्यूट्रिशनल्स प्रॉपर नहीं है, कि जो हम पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं, कि जो हेल्थ के लिए खासकर जरूरी होते हैं, वो सब न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिलता और उसकी डेफिशिएंसी है आपके शरीर के अंदर। तो उस वक्त ये मेडिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, कि जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है वो ऐड किए गए होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर कोई विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, या फिर जो भी कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स की आपके शरीर के अंदर कमी है, तो उसको कंप्लीट करेगा और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये मेडिकेशन जो है वो हेल्प करती है। तो इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो एवेंडिस लाइफ साइंसेस के मैन्युफैक्चर है, कि जो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसका लोकेशन चंडीगढ़ में है। और कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स भी वो डेवलप करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स वो डेवलप करते हैं, एलर्जी के मेडिकेशन, एंटी फंगल, प्रोटोन पंप इनहिबिटर और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है एवेंडिस लाइफ साइंस की आपको देखने को मिलेगी। तो टॉपिक पर अब बातें हैं, तो बेनोकल 5G के अंदर 5G का मतलब क्या है वो आप अब अच्छे से समझिए। तो 5G मतलब कि 5 ऐसे जी के जो आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला जी है वो है ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, सेकंड जी है जिंको बिबुला, तीसरा जी रहेगा जिनसेंग हर्ब, चौथा जी रहेगा ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट और पांचवा गार्लिक ऑयल। तो इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो वो जानते हैं। तो पहला जी यानी कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तो ग्रीन टी के बेनिफिट क्या रहते हैं वो देख लेते हैं। तो वो आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, फैट लॉस करने में मदद करता है, आपके बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रखेगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, हेल्दीनेस इम्प्रूव करती है आपकी, और कैंसर के सामने भी वो काफ़ी आपको हेल्प करती है, प्रोटेक्शन देती है। और जो हार्ट डिसीज जो होते हैं, मतलब कि दिल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके रिस्क को भी कम करता है ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि जब आप ये बेनोकल 5G के कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। सेकंड जी यानी कि जिंको बिबुला, कि ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशन है, कि जो इन्फ्लेमेशन के सामने फाइट बैक करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करवाता है, हार्ट के हेल्दीनेस के लिए कि जिंको बिबुला काफ़ी ज़रूरी है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव करता है, मतलब कि आपकी मेमोरी भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ब्रेन का जो हेल्दी फंक्शन होता है उसके लिए भी ये जरूरी है, एनजाइटी मतलब कि चिंता है, फिकर है, वो कम करने में मदद करता है, डिप्रेशन भी आपका ट्रीट करता है। तीसरा जी यानी कि जिनसेंग, कि जिनसेंग के हम बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे बेनिफिट है जिनसेंग के भी, कि वो भी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि जिंको भी बोला है उसी तरह से जिनसेंग भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कही जाती है, इन्फ्लेमेशन वो कम करता है, फिर अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो वो भी ट्रीट करने में जिनसेंग मदद करता है, इम्यून सिस्टम आपकी बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है, और आपकी जो बॉडी के अंदर कोई फटीग मतलब कि थकान जैसा आप महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो उसको भी ट्रीट करने में जिनसेंग जो है वो मदद करता है।
चौथा एक पावरफुल इंग्रेडिएंट मतलब कि चौथा जी वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो आपका इम्प्रूव करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है कि अगर ऑक्सीडेशन होता है शरीर में और उससे आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे तो उसको कम करने में मदद करेगा। फिर इम्प्रूव करेगा कोलेजन लेवल आपके शरीर में और बोन स्ट्रेंथ मतलब कि जो हड्डियों की मजबूती के लिए जो कोलेजन जरूरी होता है उसको बढ़ाकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर सपोर्ट करता है आपके ब्रेन के फंक्शन को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जो हमारे किडनीज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट मदद करता है। पांचवा जीन यानी कि गार्लिक ऑयल। तो गार्लिक ऑयल जो पांचवा जी है उसके बेनिफिट सब समझते हैं। तो उसके पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है मतलब कि सूजन कम करेगा, अगर शरीर में कोई सूजन हो रही है तो उसको होने से रोकेगा और सूजन है तो उसको कम करेगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसके कारण आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी नहीं होते और होता है तो उसको ट्रीट करने में मदद करता है। साथों साथ जो स्किन की कुछ ऐसे कंडीशंस भी ट्रीट करता है जैसे कि डर्मेटाइटिस है मतलब कि स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, एक्ने स्केयर, रिंकल, डार्क सर्कल वगैरह को भी कम करने में गार्लिक ऑयल के बेनिफिट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस के सामने फाइट बैक करके आपका स्ट्रेस कम करता है, थकान कमजोरी कम करने में मदद करता है। तो इसके कंटेंट के बारे में हम समझे तो कंटेंट क्या रहेगा इसका, तो वो अब समझ लेते कि कंटेंट क्या है। तो कंटेंट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, फिर उसके अंदर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे साइड में आप डायग्राम के ऊपर खास नजर रखना, यहाँ पे आप देखो कंपोजिशन लिखा है कि एक जब आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स खाते हैं तो उसके अंदर कितना कंटेंट रहता है। तो एल ग्लूटाथायन करके इंग्रेडिएंट है 2 मिलीग्राम जितना। उसके बाद आप देखो तो एसेंशियल फैटी एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट है और स्पेशली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम कहते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए, ब्रेन्स के हेल्दीनेस के लिए। फिर यहाँ पे आप देखो तो एमिनो एसिड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर तीसरे इंग्रेडिएंट हम देखें तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की जो 5G की कैटेगरी में आता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिंको भी बोला, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की जो 5G हो गए। फिर बहुत सारे विटामिन उसके अंदर प्रेजेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टी विटामिन ये कह सकते हैं हम उसको, बहुत सारे विटामिन जैसे कि यहाँ पे आप देखो विटामिन के प्रेजेंट है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, थायमिन है, नियासिनेमाइड है, विटामिन B6 है, B12, विटामिन D3 वगैरह विटामिन सी, और फिर बहुत सारे यहाँ पे आप देखो तो मिनरल्स प्रेजेंट है और ट्रेस एलिमेंट्स भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके शरीर के लिए जितने भी सप्लीमेंट्स जरूरत है वो सभी सप्लीमेंट्स ये 5G कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके हम हेल्थ बेनिफिट्स देखें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को आपके शरीर के अंदर जो है उसको पूरा करेगा। कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस रीज़न से होती है, तो आपकी डाइट समझो कि पुअर है, आप अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते तो आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि आपकी भूख कम हो गई है और उसके कारण भी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो ऐसे पेशेंट ये 5G कैप्सूल खा सकते हैं। सेकंड जो माल न्यूट्रिशंस वाले पेशेंट है, कुपोषित पेशेंट है कि जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, पोषण नहीं मिल रहा है उनको, तो ऐसे लोग ये कैप्सूल खा सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो ये पेशेंट खा सकता है। फिर सर्जरी इसके बाद ऑपरेशंस के बाद भी ये अगर आपके शरीर के अंदर फास्ट रिकवरी चाहिए आपको तो आप खा सकते हैं, और किसी बीमारी में से रिकवर होने के बाद समझो कि काफ़ी कमजोरी है, थकान है, तो भी आप खा सकते हैं। और ओवरऑल आप समझो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहती है, आप थक जाते हैं, थकावट महसूस होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिल रहे, तो ऐसे सभी लोग खा सकते हैं ये 5G कैप्सूल को। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारी एक सेकंड चैनल जो मैंने स्टार्ट की है स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कि यहाँ पे आप देखो कि चैनल आपको मिल जाएगी हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन करके, और उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को देख पाएंगे अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो अभी हमारी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं
और जानते कि कौन से अलग अलग कंडीशंस में बेनोकल 5G कैप्सूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपके शरीर में कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो वो पेशेंट ये खा सकता है। मिनरल की डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप खा सकते हैं। शरीर में वीकनेस है कि यहाँ पे आप देखो कि ये पर्सन के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि वो काफ़ी थका हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा काम करने के बाद भी समझो कि आप थक जाते हैं, कमजोरी है आपके शरीर के अंदर, तो वो ये मेडिकेशन पूरा करेगी क्योंकि आपको 5G एनर्जी जो है वो देने का काम करेगा ये बेनोकल 5G कैप्सूल। फिर फटिक मतलब कि कमजोरी थकान को ट्रीट करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर बोन्स हेल्दी जॉइंट्स के लिए, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है शरीर के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है। फिर इम्प्रूव एपेटाइट मतलब कि आपको भूख नहीं लगती तो आपकी भूख बढ़ाने के लिए भी बेनोकल 5G कैप्सूल आप खा सकते हैं। फिर किसी बीमारी में से फास्ट रिकवरी हो लेने के लिए भी ये खा सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शंस के लिए मतलब कि जो नसें होती है आपकी वो कमज़ोर है या फिर नसें कमज़ोर ना हो वो प्रॉपर हेल्दी रहे उसके लिए भी आप ये बेनोकल 5G कैप्सूल खा सकते हैं। इम्यून डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर है मतलब कि आपकी इम्यूनिटी कम है तो ऐसे पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। फिर जो प्रोटेक्ट करता है आपको न्यूरॉन्स के डैमेज से, ब्लड सेल के प्रोडक्शन को जो है वो इम्प्रूव करता है मतलब कि प्रमोट करता है ब्लड सेल प्रोडक्शन, कि ये मेडिकेशन आप खाने से समझो कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी है तो उसको भी पूरा करने में ये मेडिकेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी। फिर हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी है आपके बॉन्स के, आपकी हड्डियों के स्ट्रॉन्ग बॉन्स बनाने में ये कैप्सूल आपको जो है वो मदद करेगी। फिर और लर्निंग एबिलिटीज़ जो होती है इस बच्चों में वो इम्प्रूव करने में मदद करेगा, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में मदद करेगा, रिड्यूस करेगा आपका एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल लेवल कि जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, और स्पेशली जो हार्ट की हेल्दीनेस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्दीनेस के लिए ये कैप्सूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होते। तो ये फ़ायदे होते हैं 5G कैप्सूल्स के। तो आगे जानते हैं हम डिटेल में उसके डोज के बारे में कि दिन में कितने कैप्सूल आप खाए और कितनों दिनों तक आप ये खा सकते। तो और काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक आप उसको खा सकते हैं, कोई ऐसे पाबंदी नहीं है कि जैसे कोई आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे आप खाना खाते हैं इसी तरह से ये मेडिकेशंस भी आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देती है। तो डेली एक ही कैप्सूल खानी होती है, खाना खाने के बाद आप ये एक कैप्सूल खाएं और लंबे समय तक आप उसको खा सकते हैं। बट ध्यान ये रखें ओवरडोज में ना करके, कोई पर्सन दिन में 3 खा ले, कोई 4 खा ले, ऐसा नहीं कर सकते। दिन में एक या फिर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट दिन में 2 कैप्सूल खा सकता है। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं कि कुछ लोगों को अगर एलर्जी है किसी इंग्रेडिएंट की तो स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं। तो ये खास आप ध्यान रखें कि ये कैप्सूल लेने के बाद आपको कुछ एलर्जी हो रही है तो तुरंत मेडिकेशन लेना बंद कर दे, आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करें। सेकंड, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज के अंदर कि 4 खा लेते हैं, 5 खा लेते हैं एक ही दिन में तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, स्लीपलेसनेस मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी रात को लेट तक, टेस्ट जो है आपको कई बार बिटरनेस जैसा फील हो आपके माउथ के अंदर, उल्टी जैसा, जी घबराना, पेट जैसे अपसेट हो, ऐसा कुछ लोग फील करते हैं बट सभी केसेस में ये साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप नहीं होती। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कौन लोग ये मेडिकेशन ना खाए, अगर आपको एलर्जी है किसी भी कंपोनेंट की, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है तो ये मेडिकेशन ना खाए। फिर आपने कोई सर्जरी प्लान की है तो सर्जरी से पहले ये मेडिकेशन को बंद कर दे, कि कोई सर्जरी प्लान की है तो वो सर्जरी के 21 दिन पहले या फिर 14 दिन पहले ये मेडिकेशन को लेना बंद कर दे। और कोई भी ऐसी साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो रही, कोई अनकंफर्टेबल कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसको लेना आप बंद कर सकते हैं। तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेडिसिन कोर्स के लिए हमें व्हाट्सएप करें और वहाँ पर सीखें, जैसे हम यहाँ पर बेनोकल 5G के बारे में सीखा ऐसे ही आप डिटेल में सीखें सभी दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन कोर्स में। तो ये कोर्स एक्सेस करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे और हमारी ऐप को डाउनलोड करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।